हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेल का शरबत, जो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और टेस्ट तो इसका पूछिए मत, बहुत अमेजिंग है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके का होता है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है इसको खाने में। तो एक ही बेल का मैं बना रही हूँ, इसको मैं करती हूँ अभी साइड में। अब इसमें मैं एक कटोरी शुगर डाल दूंगी। इस तरह इसके जो बीज और इसके जो इसमें जाले होते हैं, उनको हम इस तरह इसे निकाल देंगे। तो इसे आप छान भी सकते हैं, लेकिन मैं छानूंगी नहीं। छानने से क्या है, इसके जो गूदे हैं जो मुंह में पीते समय आते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसको छान के नहीं बनाऊंगी। जो है बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए रेसा और बीज इसका। तो अब ये रेडी है, अब इसमें कोई भी रेसा नहीं है। और देखिए गाढ़ा गाढ़ा कितना सुंदर रेडी हुआ है। अगर आप इसे छानते हैं तो ये जो इसके, तो अब इसको हम खाली कर लेंगे एक जार में। और इसे आप बना के ऐसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, हफ्ते भर आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। और जिस बर्तन में मैंने बनाया था उसे मैं पानी थोड़ा सा डाल के, तो हम एक बर्तन लेंगे और सारा इसी में डाल देंगे, ये जो हमने पल्प बनाया है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बर्फ, और जितना इसे आप पतला मोटा करके पीना चाहें उतना उसमें पानी ऐड कर देंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं साइड में। बहुत टेस्टी गाइस, बहुत टेस्टी। मुझे बेल का शरबत तो बहुत टेस्टी लगता है, सारे शरबत गर्मियों के इसके सामने फेल है। बहुत अमेजिंग होता है और पेट के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। बेल तो कच्चा बेल हो गया, पका बेल हो गया, सारे बेल जो है। थोड़े थोड़े हम इसमें पुदीना डाल देंगे। सो
सो गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत बहुत टेस्टी है। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट्स में रिव्यू शेयर करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।